नमस्कार दोस्तों, तो फिर से हमें आईपीएल 2024 का एक रोमांचक भरा मुकाबला देखने को मिला। राजस्थान के इस साल के लगभग हर मैचेस बहुत ज़्यादा रोमांचक रहे हैं क्योंकि प्लेयर्स काफ़ी बेहतरीन हैं राजस्थान में, और इसी वजह से आज राजस्थान को एक बड़ी जीत देखने को मिली। पर मैच काफ़ी रोमांचक था आखिरी बॉल तक, आखिरी ओवर के आखिरी बॉल तक। हर दर्शक यही सोच रहा था कि भाई ये मैच किसी भी पाले में जा सकता है। हमें सुपर ओवर भी देखने को मिलने वाला था, पर उससे पहले अगर आप भी क्रिकेट प्रेमी हैं तो चैनल को जो सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक दे देना प्यारा सा। तो दोस्तों आज मैच था 31वां मैच आईपीएल 2024 का, और मैच के पहले टॉस जीतकर राजस्थान के कैप्टन संजू सैमसन ने बॉलिंग करने का डिसीजन लिया। उनका डिसीजन सही भी साबित हुआ, और पहले शुरुआत करने आते हैं फिल्स ऑलराउंडर सुनील नारायण। शुरुआत तो ज़्यादा अच्छी नहीं रहती, भले ही सुनील नारायण एक तरफा बल्लेबाजी बहुत बढ़िया करते हैं, रन बनाते हैं, पर 21 रन पर ही पहला विकेट गिरता है और फिल सॉल्ट सिर्फ 10 रन बना के पॉइंट लौट जाते हैं। उन्हें बोल्ड और कैच आउट करते हैं आवेश खान, से बाद आते हैं अंकरिश रघुवंशी, और अंकरिश रघुवंशी और नारायण के बीच में एक बढ़िया पार्टनरशिप होती है। भाई दोनों ही काफ़ी तेज़ी से रन जोड़ते हैं। पावर प्ले के बाद तो ऐसा लगा था कि भाई सुनील नारायण की बदौलत आज KKR 250-300 का आंकड़ा आराम से छू लेगी, और दोनों ही के बल्लेबाजों के बीच में काफ़ी अच्छी पार्टनरशिप होती है। 50 से ऊपर के और 100 रन बनते हैं जैसे तैसे KKR के, और 106 पर दूसरा विकेट गिरता है अंकरिश रघुवंशी, यहाँ पर आउट हो जाते हैं। 30 रन बना के 18 गेंदों में 5 चौके मार के उसके बाद आते हैं कप्तान सुरेश अय्यर, पर वो भी कुछ ज़्यादा खास नहीं कर पाते। एक तरफा सुनील नारायण तो पिधड़ी लगा रहे होते हैं, पेल रहे होते हैं राजस्थान के बॉलर्स को, चाहे कोई भी बॉलर हो, ट्रेंट हो, आवेश खान, कुलदीप सेन, युजवेंद्र चहल की भी आज खूब रन पड़े हैं, पर 133 पे तीसरा विकेट गिरता है। यहाँ पर सुरेश अय्यर भी कुछ ज़्यादा कमाल नहीं कर पाया, 11 रन बना के वो भी पॉइंट लौट जाते हैं। उसके बाद आते हैं आंध्र रसल, भाई आंध्र रसल आते हैं साथ देने सुनील नारायण का, पर सारा काम यहाँ पर सुनील नारायण ही कर रहे होते हैं, सारे छक्के चौके वही लगा रहे होते हैं, पर आंध्र रसल की बैटिंग के दौरान ही यहाँ पर सुनील नारायण को शतक देखने को मिलता है। और सुनील नारायण ने एक शानदार शतक लगाया, और इसके बाद चौथा विकेट गिरता है 184 के स्कोर पर, और यहाँ पर आंध्र रसल 13 रन बना के सिर्फ पॉइंट लौट जाते हैं दो चौके मार के। उसके बाद रिंकू सिंह, रिंकू सिंह भाई वो बल्लेबाज हैं जो कि बहुत ही एंड टाइम पे आते हैं छठे या सातवें नंबर पे, पर एक कमाल का स्कोर देके जाते हैं KKR के लिए। पर इसी बीच सुनील नारायण जो कि काफ़ी शानदार बैटिंग कर रहे थे भाई, वो आउट जाते 195 पाँचवा विकेट गिरता है, 109 रन बना के 56 गेंदों में 13 चौकों और 6 छक्कों के वजह से 194 की स्ट्राइक रेट के साथ भाई बहुत बढ़िया शानदार पारी खेल के सुनील नारायण पवेलियन लौट जाते हैं। इसके बाद आते हैं वेंकटेश अय्यर, पर वो भी 8 रन बना के पवेलियन लौट जाते हैं। इस तरह से 215 पे छठा विकेट गिरता है, और 20 ओवर की दूसरी गेंद हो चुकी थी, सिर्फ 4 गेंदें बची थी, और होते हैं रिंकू सिंह स्ट्राइक पे और अमनदीप सिंह होते हैं रनिंग एंड पर, और इसी तरह टीम का टोटल हो जाता है 223 रन 6 विकेट के नुकसान पर। आखिरी ओवर में इतने ज़्यादा रन नहीं पड़े जिस वजह से टोटल कुछ खास ज़्यादा नहीं हुआ। रिंकू सिंह ने आज की पारी में बनाए 20 रन सिर्फ 9 गेंद में, 1 चौके और 2 छक्कों की मदद से, और राजस्थान के बॉलर में से ट्रेंट बोल्ट और युजवेंद्र चहल ने एक एक विकेट लिए, आवेश खान और कुलदीप सिंह ने 2 विकेट लिए। इसके बाद आते हैं राजस्थान के बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल और जोस बटलर, दोनों ही एक फास्ट स्टार्ट देने की कोशिश करते हैं, पर आज यशस्वी जायसवाल का दिन बिल्कुल भी नहीं था, और 22 रन पर ही पहला विकेट गिरता है दूसरे ओवर की पांचवी गेंद पर। यशस्वी जायसवाल 19 रन बना के 9 गेंदों में 3 चौके और 1 छक्के की मदद से वो भी पहले लौट जाते हैं। इसके बाद आते हैं संजू सैमसन कप्तान पर, उनका भी आज दिन नहीं था, पर एक तरफा जॉस बटलर काफ़ी अच्छी बैटिंग कर रहे होते हैं, काफ़ी सूझबूझ के साथ अपना विकेट नहीं खोते हैं, और 47 पे दूसरा विकेट गिरता है संजू सैमसन का, वो 12 रन बना के 8 गेंदों में वो भी पहले लौट जाते हैं। इसके बाद आता है रियान पराग, भाई रियान पराग भी आज कुछ अलग ही मोड में थे, पिछले 2 मैचेस में उन्होंने काफ़ी अच्छे रन बनाए थे, और आज भी वो काफ़ी फास्ट खेल रहे थे, काफ़ी चौके छक्के बरसा रहे थे, और KKR के बॉलर की पिधड़ी लगा रहे थे, और KKR को बहुत ज़रूरी था रियान पराग का विकेट लेना। और इसी बीच दोनों के बीच में 50 रन की पार्टनरशिप होती है जोस बटलर और रियान पराग के बीच में, 97 में तीसरा विकेट गिरता है भाई रियान पराग, सिर्फ 14 गेंदों में 34 रन बना के 4 चौकों और 2 छक्कों की मदद से 242 से भी ज़्यादा की स्ट्राइक रेट, वही पॉइंट लौट जाते हैं। उसके बाद आते हैं ध्रुव जुरैल, पर वो भाई ज़्यादा साथ नहीं दे पाते, 100 रन पे ही चौथा विकेट गिरता है ध्रुव जुरैल का, उसे 2 रन बना के पॉइंट लौट जाते हैं। और इस टाइम पे ऐसा लग रहा था भाई सिर्फ 150 से कम के स्कोर में यहाँ पर KKR राजस्थान को ऑल आउट कर देगी। फिर इसके बाद आते हैं रविचंद्र अश्विन यहाँ पर रविचंद्र अश्विन भी थोड़ा बहुत सूझबूझ के साथ देख दाख के खेलने की कोशिश करते हैं, पर वो भी वरुण चक्रवर्ती की गेंद पर आउट हो जाते हैं सिर्फ 8 रन बना के, और इस समय टीम का स्कोर था 12 ओवर में 121 रन 5 ओवर विकेट के नुकसान पर। उसके बाद आते हैं सिमरन हेटमायर जो कि बड़े हिट लगाने में कामयाब रहते हैं, पर आज वो डक पे पवेलियन लौट जाते हैं, भाई उनका दिल बिल्कुल भी नहीं था, वो भी वरुण चक्रवर्ती गेंद पे आउट हो जाते हैं। इसके बाद आता है रेमन पॉवेल, और होते हैं जोस बटलर क्रीज पे,
दोनों ही के बीच में फिर से एक पार्टनरशिप होती है, दोनों ही 50 से ऊपर की पार्टनरशिप करते हैं। 178 पे सातवां विकेट था रेमन पॉवल का। रेमन पॉवल ने 13 गेंदों में शानदार 26 रन बनाए, एक चौका 3 छक्कों की मदद से। वो दो छक्के आए थे सुनील नारायण गेंद पर, सुनील नारायण ने LPW कर देते हैं आखिरी में। उसके बाद आते हैं ट्रेंट बोल्ट पर, दो रन लेने के चक्कर में ट्रेंट बोल्ट भी यहाँ पर रन आउट हो जाते हैं। 186 पे आठवां विकेट गिरता है और इस समय टीम का स्कोर था 17-3 गेंद में 186 रन। उसके बाद आते हैं आवेश खान पर, यहाँ पर सारा गेम जो करना था वो करना था जॉस बटलर को, जॉस बटलर बिल्कुल भी स्ट्राइक नहीं देते हैं। उसके बाद आवेश खान को, क्योंकि उन्हें पता था भाई अब बॉलें बहुत कम हैं और रन बहुत ज़्यादा बनाने हैं। दो ओवरों में चाहिए थे 28 रन और 19वें ओवर में पेल देते हैं आराम से जॉस बटलर 19 रन सिर्फ एक ओवर में, और आखिरी ओवर में चाहिए होते हैं 9 रन। और आखिरी ओवर की पहली गेंद पर ही छक्का जड़ देते हैं जॉस बटलर। उसके बाद तीन गेंदें डॉट निकाल देते हैं जैसे तैसे वरुण चक्रवर्ती, और पांचवी गेंद पर ले लेते हैं 2 रन। उसके बाद चाहिए था एक गेंद पर सिर्फ 1 रन, पर भाई यहाँ पर जॉस बटलर कुछ अलग ही फॉर्म में थे भाई, 100 तो वो बना ही चुके थे, अब वो बिल्कुल रुक नहीं सकते थे और आखिरी गेंद पर चौका जोड़ देते हैं। इस वजह से 20 ओवरों में 224 रन बना लिए थे राजस्थान ने और 2 विकेटों से मैच जीत लिया। आज के मैच के मैन ऑफ द मैच भी रहे जॉस बटलर, 107 रन सिर्फ 60 गेंदों में, 9 चौकों और 6 छक्कों की मदद से, 178 से भी ज़्यादा की स्ट्राइक रेट के साथ। कोलकाता की तरफ से वैभव अरोड़ा ने 1, हर्षित राणा, सुनील नारायण चक्रवर्ती ने 2-2 विकेट लिए। तो भाई मैच बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग था, आखिरी ओवर तक लग रहा था कि भाई यहाँ पर हमें सुपर ओवर देखने को मिल सकता है। कोलकाता के ओनर शाहरुख खान भी परेशान हो गए थे जब तक सुनील नारायण ने बैटिंग कर रहे थे और विकेट गिर रहे थे राजस्थान के। शाहरुख खान बहुत ज़्यादा घुसते पर वो भी शांत हो गए थे, पर जो भी हो राजस्थान अभी भी टॉप पर है, सिर्फ एक मैच हारी है वो भी गुजरात से, और कोलकाता अभी भी दूसरे पे। बाकी दोस्तों आप जरूर कमेंट करके बताना क्या राजस्थान इस बार IPL कप जीत सकती है, जो कि पहला IPL जीती थी। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ख्याल रखें अपना।